अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू हम दो, हमारे चार ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग है ना, मैंने दोपहर से स्टार्ट करी हूँ, अभी लंच का टाइम है, लंच बना रही हूँ मैं। और ये कुछ हरी मिर्ची वगैरह मैं लेके आई थी ग्रॉसरी से, तो उसको वॉश करके रख दूँगी, सूख जाएगी तो उसकी डंठल निकाल के ना उसको बॉक्स में डाल दूँगी। और सबसे पहले जो है ना, मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ। इतने सारे मैसेजेस आप लोग के आ रहे थे कि व्लॉग क्यों नहीं डाल रही हैं, आप सब लोग घर में ठीक तो हैं। हम सब लोग ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और लेकिन जो है ना, आजकल मुझे टाइम नहीं मिल रहा है व्लॉग अपलोड करने का। पहले तो हफ्ते में एक बार व्लॉग आ ही जाता था 5-6 दिन में, लेकिन अब 11-11 दिन हो जा रहे हैं। असल में आजकल घर में माशाल्लाह से बहुत चहल पहल है, तो वीडियो किसी सूरत से शूट हो जाता है तो फिर वॉइस ओवर और एडिटिंग के लिए जो है ना वो टाइम नहीं मिलता है मुझे। क्योंकि अगर ना पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा ना, तो वॉइस ओवर में ज़रूर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मैं चाहती हूँ एकदम रिलैक्स रहूँ, तब फिर उसके बाद आराम से जो है ना वो मैं वॉइस ओवर करूँ, एडिटिंग करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वीडियो को जो है एक पूरा रेडी करके डालने में। और अभी घर में सब हैं तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कि मैं सबको छोड़ के पूरे टाइम यूट्यूब में लगी रहूं, पूरे वीडियोस एडिट करूं और ये वो। तो इसलिए जो है ना आजकल वीडियोस लेट आ रहे हैं। घर में खाना पकाना ही सब कुछ नहीं होता है, इसके अलावा भी हज़ार काम होते हैं, जैसे कि ग्रॉसरी लाना, डॉक्टर के पास ले जाना, स्कूल की मीटिंग्स वगैरह। तो स्कूल तो अभी बंद है, अभी वेकेशन चल रही है यहाँ पे, समर वेकेशन। लेकिन उसके अलावा ग्रॉसरी वगैरह सब मैं खुद ही करती हूँ अकेली। और अफ़ान को है ना, अभी मैं रिसेंटली डॉक्टर के पास लेके गई थी, उसका पैर जो फ्रैक्चर हो गया था ना 2-4 महीने पहले, तो उसका फॉलोअप था, मुझे दिखाना था। तो हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो लेके जाएँ, वो ऑफिस में बहुत बिजी रहते हैं, तो मैं ही लेके गई थी, लेकिन वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं करी। तो बहुत कुछ चलता है लाइफ में। अब मैं डेली व्लॉगिंग तो करती नहीं हूँ कि आप लोगों को सब पता चले कि क्या क्या हो रहा है घर में। और आदमी लोगों के लिए ना बहुत इजी होता है बाहर का काम करना, क्योंकि उन लोग घर जब आएंगे तो उनको पता है कि घर में खाना बिल्कुल रेडी मिलेगा। लेकिन जब एक हाउसवाइफ निकलती है ना घर से बाहर का काम करने के लिए, तो उसको घर का भी पूरा काम निपटा के जाना पड़ता है, क्योंकि उसके पीछे कोई नहीं रहेगा जो उसका काम करके रखेगा। तो इसीलिए अगर बाहर का भी काम करना है ना, तो मुझे घर में पूरी प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है, तब जाके सब कुछ स्मूथली वर्क करता है। एनीवेज, यहाँ पे है ना मैं लंच बना रही हूँ, तो लंच में ना आज मैं तहरी बना रही हूँ। चावल मैंने नाश्ते के बाद ही भिगा के रख दी थी। गर्मियों में है ना वन पॉट मील सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है दोपहर के लिए, क्योंकि दोपहर के टाइम पर गर्मी एकदम पीक पर होती है। तो इसलिए मुझे लगा कि दाल चावल रोटी सब्जी से अच्छा जो है मैं तहरी बना दूं। ये क्लिप देखिए सुबह की है, जब बच्चे सो रहे थे ना तब मैंने शूट करी थी। ये मेरे फ्रेंड के बच्चे हैं दोनों, आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा, अफ़ान के बेस्ट फ्रेंड हैं दोनों। तो मेरी जो फ्रेंड है ना वो इंडिया गई हुई है, तो उसके बच्चे दोनों अकेले थे, तो मैंने सोचा इन लोग घर में क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे, वेकेशन भी चल रहा है, तो मैं इनको घर ले आई थी एक हफ्ते के लिए। और ये देखिए आरिस भी नीचे ही सो रहा था इन लोगों के साथ, इन चारों को एक साथ सोना था, तो मैंने नीचे ही डाल दी थी लिविंग रूम में सबका बिस्तर। ये चारों लोग जो है ना रात भर जगते हैं, किचन में जाके पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, कुकिंग स्किल्स जाग जाती है इन लोग की, और दिन भर देर तक सोए पड़े रहते हैं। बड़ी मेहनत से ना इन लोगों को उठाती हूँ मैं, और फिर यहाँ पे चाय और कड़क पाव, यही इन लोग नाश्ता करते हैं, और उसके बाद फिर खेलने बैठ जाते हैं। कभी कभी जब इन लोग सो के उठते ना, मैं बहुत गुस्सा करती हूँ इन लोगों को कि ये क्या तरीका है, तुम लोग रात में देर तक जगते हो, सुबह जो है देर तक सोए रहते हो। लेकिन हस्बैंड है ना वो एकदम कूल है, कहते हैं कि रहने दो, बच्चे लोगों को अपनी बचपन की ज़िंदगी एंजॉय करने दो और तुम अपना काम करो। तो बस यहाँ पे मैं अपना काम कर रही हूँ, मशीन लगा रही हूँ। बहुत सारे कपड़े हैं धोने के लिए, अब घर में लोग ज़्यादा रहते हैं तो कपड़े भी ज़्यादा निकलते हैं। और दूसरी चीज़ ये ना कि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है कि एक एक दिन में ना दो दो कपड़े, तीन तीन कपड़े तो आराम से निकल ही आते हैं। अच्छा, यहाँ पे है ना टमाटर जो है वो ठंडा हो गया था, तो उसको चॉपर में डाल दिया है। ये ना मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ तहरी के साथ, खाने के लिए बहुत मज़े की लगती है। तो चॉपर में बस टमाटर, लहसुन और हरी मिर्ची, इन तीनों को डाल के ना मैं रख दूँगी। खाने के टाइम चॉप करूँगी ना, तो आगे क्या करना है फिर वो मैं बताऊँगी। बहरहाल किचन यहाँ पर मैंने समेट ली हूँ। और अब अफ़ान का जो है ना वो क्लासेस का टाइम हो गया था, तो पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि अफ़ान भांजू पे मैथ्स क्लास लेता है। हेलो। इस उम्र के बच्चों को ना पढ़ना लिखना जल्दी अच्छा नहीं लगता है, और स्पेशली जब मैथ्स की बात आती ना तब तो बहुत ही बोरिंग लगता है।
लेकिन जब से अफान ने भांजू ज्वाइन किया है उसका मैथ्स में इंटरेस्ट काफी ज्यादा हो गया है। सबसे पहली बात ये कि भांजू की जो टीचर्स है ना वो काफी फ्रेंडली हैं, तो दिल में बच्चे के कोई डर नहीं रहता है पढ़ने के टाइम। और दूसरी बात ये है ना कि बच्चे को पेन पेपर या अबाकस या कोई भी टूल जो है ना वो यूज नहीं करना है, मेंटली ही बच्चे बड़े से बड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे। इस कोर्स को बनाया है मिस्टर नीलाकांता भानु ने, जो कि वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर हैं। भांजू वे ऑफ टीचिंग फोकस करता है लेफ्ट टू राइट मेथड, और इससे जो ना इस मेथड को यूज करके बच्चा 4 times फास्टर कैलकुलेशन कर सकता है। और भांजू का जो कोर्स है ना वो ओवरबर्डन नहीं करता है बच्चों को, और बच्चे अपने स्कूल के पढ़ाई और भांजू की दोनों को ना बैलेंस करके चल सकते हैं इजीली। 60 minus 20 is 40, 40 plus 70 is 110, 110 plus 5 is 115, 115 minus 6 is 909, 109 plus 3 is 112. भांजू ऐप में 3 डिफरेंट कोर्सेज हैं, मतलब 3 लेवल हैं। इस कोर्स में ना बच्चे को अनलिमिटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और जो पेरेंट्स कंसर्न्ड हैं अपने चाइल्ड के प्रोग्रेस के बारे में तो वो अपने बच्चे की प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं पेरेंट्स ऐप पे। और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ना एक स्पेशल डिस्काउंट है, 20% ऑफ आपको मिलेगा फीस पे। नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। यू कैन ट्राई द फ्री क्लास एंड एक्सपीरियंस द कोर्स फॉर योरसेल्फ बिफोर इन्वेस्टिंग इन योर किड्स फ्यूचर। हाउ कैन यू डू दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन मेंटली? डू यू वांट टू नो दैट? यस But for that, you need to join me in the next class if you want to learn that, okay? We will learn step by step, okay? अफान की मैथ्स क्लास बस कुछ देर में अभी ख़त्म ही होने वाली है, उसके बाद हम लंच करेंगे। तो जो टमाटर और लहसुन मैंने रोस्ट करी थी उसको मैंने चॉपर में दरदरा चॉप कर ली हूँ, और उसके बाद सॉल्ट ऐड करना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इस चटनी में ना हमें चॉप्ड अनियंस भी डालना है और थोड़ी सी धनिया की पत्ती, और ये आपको कितना पसंद है उसी हिसाब से डालना है। लेकिन ना ये तभी डालना है जब आप एकदम खाने के टेबल पे बैठने वाले हैं। आरिज जाओ जाओ जाओ, अहमद के साथ बैठ जाओ, अहमद के साथ बैठ जाओ, अहमद बुलाओ आरिज को, आरिज जल्दी यहाँ बैठो। मेरे 3 बच्चे जो है ना, फलक, जईम और अफान, इन तीनों में कभी भी माशाल्लाह लड़ाई नहीं होती है, लेकिन ये जो चौथा वाला है ना आरिज, ये इतना शरारती है, इसकी किसी के साथ जमती ही नहीं है, बहुत बड़ा मसला है इसके साथ। एनीवेज यहाँ पे हमारी तहरी एकदम गर्मा गर्म रेडी है, और इसके साथ है ना हम लोग अचार, घी और चटनी खाएंगे। ये लो अहमद, आज तहरी खा के बड़ी ही मज़ा आ गई। सिंपल सा लंच ना बहुत अच्छा लगता है कभी कभी, और ये वही अचार है जो अम्मी ने पिछले बनाई थी ना व्लॉग में, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी इसकी रेसिपी। और देखिए आरिज है नहीं टेबल पे, गुस्सा हो के चला गया है, अब उसको अलग से मनाना पड़ेगा। क्या हुआ? क्या हुआ? गरम था, तीखा था, अच्छा है, खट्टा था, क्या चीज करती है? प्याज वाली अचार। प्याज वाली अचार। तो यहाँ पे ना हम लोगों का लंच कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं पूरा किचन वाइंड अप कर दूंगी ताकि डिनर बनाने के टाइम ना किचन एकदम अच्छा सा नीट एंड टाइडी रहे। क्या कर रही फलक? I got a package, a gift from Peachy Fuzz. Okay. आज फलक के लिए ना एक गिफ्ट आया है, एक कुरियर रिसीव हुआ है फलक को पीची फस की तरफ से। पीची फस स्पेशलाइज्ड है हैंडमेड क्रोशे एसेसरीज में, और ये देखिए कितना खूबसूरत सा कॉइन पाउच उन्होंने बना के भेजा है फलक के लिए।
वाव मस्त है। कॉइन पाउच के अलावा ना बहुत सारे हेयर एसेसरीज भी थी, वो भी हैंडमेड। इनमें से ना एक पलक को बहुत ही पसंद आई, वही ट्राई करके देख रही है। हेयर एसेसरीज के अलावा ना एक बहुत ही खूबसूरत सा हैंडमेड ब्रेसलेट भी रिसीव हुआ है, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। आप इनके इंस्टा आईडी पे जाके ना देख सकते हैं इनके सारे कलेक्शंस, और अगर कुछ पसंद आता है तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके भी बनवा सकते हैं। इनका इंस्टा आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच पीची फस फॉर सेंडिंग अस दीज गिफ्ट्स। किचन से फ्री होके अब मैं आ गई हूँ ऊपर फलक के रूम में, और ना मैं इस टाइप का कवर सोच रही हूँ सिलने के लिए अपने मिक्सर के लिए, जो मैं इंडिया से अभी नया वाला लेके आई हूँ। तो YouTube पे ना मैंने दो तीन वीडियोस सर्च करी और बहुत ही इजी लगा मुझे, तो सेम वही वीडियोस फॉलो करके मैं यहाँ पे जो है वो मिक्सर के कवर की कटिंग कर लूँगी। जब मैं छोटी थी ना तो मेरी मम्मी हमेशा वेकेशंस में मुझे कोई ना कोई क्लासेस में डाल देती थी कि कुछ भी मैं सीख जाऊं, कभी मेहंदी वाली क्लास, तो कभी जो है पेंटिंग की क्लास, कभी करोशिया वाली क्लास, कभी कोई और क्लास। और जहां मैं रहती थी मीरा रोड में, वहां पे ना एकदम नज़दीक नज़दीक में सारे क्लासेस थी और बहुत ही अफोर्डेबल। तो ये चीज़ इंडिया में बहुत अच्छी है कि छुट्टियों में ना आप बहुत सारी न्यू चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन मैं ना कभी भी सिलाई की क्लासेस नहीं ली हूँ, मुझे कभी इंटरेस्ट ही नहीं जगा कि मैं सिलाई सीखूं। और आज मैं अपने फैसले पे खुश हूँ कि मैंने नहीं सीखी सिलाई, क्योंकि मेरे जानने ही में इतने सारे लोग हैं जो सिलाई सीखे हुए हैं, सिलना जानते हैं, लेकिन एक भी कपड़ा ना खुद अपना सिलते नहीं हैं। बहुत सिल लिए, बहुत सिल लिए तो शौक में एक कपड़ा सिल लिए, वरना तो घर पहनने वाला कपड़ा भी जो है वो टेलर के यहाँ ही जाता है सिलने के लिए। ये वाला कपड़ा जो आप देख रहे हैं ना, जो मैंने कट करी हूँ, ये मेरा बहुत पहले का एकदम पुराना कपड़ा है, और मुझे इसकी प्रिंट बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन हस्बैंड को कभी भी ये पसंद नहीं आया, बोलते हैं जहर लगता है कपड़ा। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ इसको आज काट ही लेती हूँ। इसमें जितनी मोटी पाइपिंग और लेस वगैरह लगी थी ना, वो सब मैंने निकाल ली हूँ, और बहुत अच्छा सा जो है मुझे लगता है कि कवर रेडी हो गया है। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। बन गई टोपी बच्चे की अच्छा लग रहा है मिक्सर का कवर सिलने में हम इतना बिजी हो गए, इतना बिजी हो गए कि टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। असर का टाइम हो गया है, तो बस इसको जो है ना मैं लगा के देख रही थी कि कैसा लग रहा है, उसके बाद हम असर की नमाज पढ़ लेंगे। असर की नमाज़ पढ़ के ना अम्मी चली जाती हैं बाहर थोड़ा सा टहलने के लिए, और मैं आ जाती हूँ यहाँ किचन में। अम्मी को जो है वो प्रोटीन पाउडर बना के देती हूँ शाम में। इसमें ना बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के अलावा पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और मेलन सीड्स, और ना गोंद वगैरह भी मैं डालती हूँ, भुना चना डालती हूँ, मिश्री डालती हूँ। तो जितनी भी चीज़ें इसमें पड़ती हैं ना, वो सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और इसको बनाने का झंझट भी नहीं है। एक बार भून भून के रख दो, और जब पीने का मन करे तो बस घी में लौंग डालो, सूजी डालो, भून लो, दूध डाल के फिर ये प्रोटीन पाउडर डाल दो। इसकी रेसिपी ना मैंने आप लोग के साथ प्री रमज़ान वाले ब्लॉग में शेयर करी थी, तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर किसी को चेक करना है ना तो फिर वो देख सकता है।
सुबह में जब अम्मी बाहर टहलने के लिए निकलती है ना, तो अम्मी की नजर पड़ी ट्री पे और है ना इतने सारे गोंद थे, मतलब जिसको एडिबल गम बोलते हैं ना वो, तो वही हम आए हैं देखने के लिए। सुनो ये देखो, ये एक वहाँ है चिपका हुआ है, तो निकालो ना खींच के, क्या सही चक टाइट हो जाता है ना, सूख जाए तो सूख गया है, तो भाई यहाँ नरम था ना, तो यहाँ सामने निकाल लिया। ये वाला नहीं, नहीं। कुछ नहीं होगा, निकालो नहीं, आप निकालिए। हाँ तो कमजोर है, नहीं कर पाएंगे, इसको भी नहीं निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे टाइट, कुछ चुटी तो नहीं है ना, और लो की भी चुटी है, और लो टाइट, याला जोर से करो, टाइट होता है। बैगम है, हाँ निकालो निकालो, अरे हाथ से ले लो, हाँ दोनों हो गए, दोनों नहीं हुआ, यही है। मैं यहाँ इतने साल से रह रही हूँ लेकिन आज तक मेरी नज़र जो है गोंद पे पड़ी नहीं, और अम्मी ने आते ही देख लिया। ज़हीम है ना, उसको घिन लग रही थी कि ये गंदा है, और मुझे डर लग रही थी कि कहीं चूटी ना आ जाए, तो हम लोग कैसे तोड़े समझ ही नहीं आ रहा था। अरे निकलेगा, नाखून से मत निकाल, निकला ज़हीम, गोंदी तो है, ये खराब चीज नहीं, बहुत अच्छी चीज है। हाँ ये देखिए क्या ताजी ताजी गोंद है, मार्केट में जो मिलती है ना वो भी फेल इसके सामने। किसको दिखा रहे, यूट्यूब की। तो अब काफी गोंद हम लोगों ने जमा कर लिया, अब मैं फिर से इसका प्रोटीन पाउडर बनाऊंगी ना, तो उसमें यूज करूंगी। अब हम जा रहे हैं घर। अम्मा बिल्ली, आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है ना दुबई में कि क्या बताऊँ, मतलब 45-46 टेम्परेचर है। तो हस्बैंड है ना जस्ट अभी अभी पहुँचे हैं घर ऑफिस से, तो उनके लिए मैं शाम में जूस निकाल के रखी रहती हूँ, तो वो है ना बीटरूट कैरेट और पोमोग्रेनेट का जूस पी लेते हैं, और मैं और अम्मी भी वही सेम पी लेते हैं। लेकिन बच्चे हैं ना खाली पोमोग्रेनेट वाला जूस पीना नहीं पसंद करते हैं बीटरूट वाला, तो उनके लिए मैं ऑरेंज जूस अलग से निकाल के उसी में मिक्स कर देती हूँ। ज़्यादा सूंघो मत पियो, अम्मा जान बनेगी। फलक को जूस पिलाना इतना बड़ा काम है, किसी सूरत से वो पीती नहीं है, एक घंटे तक लेके टहलती रहती है, कभी सूंघेगी उसको, फिर उसके बाद जो देखेगी कोई नहीं देख रहा है तो उसके ग्लास में अपना जूस डाल देगी। तो इसीलिए मैं हस्बैंड से कहती हूँ अपने सामने उसको जूस पिला के जाइए। एनीवेज अब यहाँ पे है ना मैं थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ डिनर के लिए, और ये दाल वगैरह थी तो उसको मैं रिफ़िल कर दूंगी, उसके बाद मैं डिनर बनाऊंगी। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।